समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। झांसी के मुक्ताकाशी मंच के पास प्रदर्शनी मैदान में सागू ड्रीमलैंड झांसी महोत्सव का भव्य शुभारंभ आगामी 23 दिसंबर को होने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 23 से 31 जनवरी तक चलने वाले सागू ड्रीमलैंड झांसी महोत्सव में इस बार शहरवासियों को एक ही स्थान पर देश और विदेश के हस्तशिल्पियों द्वारा तैयार किए गए घर को सजाने के एक से बढ़कर एक सामान मिलेगा। सागू ड्रीमलैंड के संचालक दलवीर सिंह बिल्लू ने बताया कि लगभग 250 दुकानें सजेंगी। इस महोत्सव में हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ खास जरूर होगा। बच्चों के लिए यहां बड़े बड़े झूले और मस्ती के लिए कई तरह के साधन उपलब्ध होंगे। नए नए व्यंजन चखने का शौक रखने वाले लोगों के लिए यहां एक से बढ़कर एक व्यंजन की दुकानें सजाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि झांसी महोत्सव के मंच पर सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा, जो कि निःशुल्क रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर 23 दिसंबर से 31 जनवरी तक महोत्सव मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन रहने वाला है। झांसी से मनीषली की रिपोर्ट। आपके चैनल के माध्यम से सबको मैं नमस्कार कहना चाहूँगा। मैं दलबीर सिंह और यहाँ झांसी महोत्सव मेले की तैयारियाँ पूरी जोरों पे चल रही हैं और इस बार सबसे अनोखा झांसी महोत्सव होने वाला है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पूरी तैयारियों को जायजा ले रहे हैं, काफ़ी दुकानदार हैं जिसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार के इस बार अवसर मिल रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा महोत्सव होने वाला है। प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है और मेले के अंदर इस बार डायनासोर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसे काफ़ी सारी राइड्स भी एकदम अनोखी तरह की मिलेंगी। इस बार स्विंग चेयर करके राइड्स हैं जो इस बार हम लोगों ने गुजरात से स्पेशल मंगाए हैं आगे अपने झांसी के लिए, और भी बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए प्रतियोगिताएँ होने वाली हैं, सारी निःशुल्क रहेंगी। और बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम भी हमारे पास यहाँ मंच पे होते रहेंगे और आप लोग पूरे 31 जनवरी तक इस महोत्सव का आनंद ले सकते हैं अपनी जनता। और आने वाले 22 या 23 तारीख तक हमारा महोत्सव का पूरा जितना भी हमारा काम अभी पेंडिंग बचा है पूरा हो जाएगा और आप आ सकते हैं अपने बच्चों के परिवार के साथ में और एक शाम खुश होगी हमारे साथ बिता सकते हैं। और सभी से मैं आने वाले नए साल के लिए पहले से बधाइयाँ देना चाहूँगा कि जोर शोर से तैयारियाँ करें और आए मेले की शोभा को बढ़ाएँ। ढाई सौ से अधिक दुकानें हमारे यहाँ महोत्सव में लग रही हैं और यूपी के भी अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे हमारे पास लोग आए हैं, बाकी गुजरात से भी, और इस बार इंटरनेशनल लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिसके अंदर अफगानिस्तान से भी हमारे पास ड्राई फ्रूट की काफ़ी दुकानें और बहुत सारे ऐसे स्टॉल वाले आ रहे हैं। इस बार कच्छ भुज से भी अपने आर्टिकल्स को लेकर आ रहे हैं जो घर सज्जा के रूप में सब उसको प्रदर्शित करेंगे। और मेला पूरे जोर शोर में और सभी लोगों के मेल मिलाप से मेला बनता है और आप सब लोगों के माध्यम से मेले का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, ऐसी मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है।